ये देखने के बाद नहीं कौन कहता है कि ब्लड लाइन की कहानी खत्म हो गई। मामी रिया रिपली ने ऐसा ही कुछ कहा था, तो देखो नया जैक्स को भेजकर रोमन रेंज ने उनका क्या हाल कर दिया। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में आप लोगों को मजा तो काफी आने वाला है। और गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो सच में अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब बिना टाइम वेस्ट के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोग WWE में देख रहे होंगे कि जजमेंट डे ब्लड लाइन के मेंबर्स के पीछे पड़े हुए हैं, स्पेशली गाइस जे उसो के। जजमेंट डे का हर एक मेंबर डोमिनिक मिस्टीरियो, सैनियोर मिस्टर मनी इन द बैंक डेमियन प्रिस्ट, और यहाँ तक कि फिन बैलर भी जे उसो के पीछे पड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि जे जजमेंट डे को ज्वाइन कर ले, और हद तो तब हो गई जब स्मैकडाउन में जजमेंट डे का अभी एजे स्टाइल से कोई लेना देना नहीं है, इसके बावजूद भी वो एजे स्टाइल पर अटैक करते हुए उन्हें सोलो सिकोआ को परोसते हैं। अब इससे तो यहाँ ये क्लियर थी कि इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन डेमियन और फिन ने सोलो की हेल्प कर उन्हें भी एक ऑफर दिया जजमेंट डे को ज्वाइन करने का। पॉसिबिलिटी कम क्या, बिल्कुल नहीं, कि ब्लड लाइन जजमेंट डे को ज्वाइन करेंगे। देखना एंड में ये लोग एक दूसरे से ही भिड़ जाएंगे। लेकिन इस राइवलरी के बीच एक प्रॉब्लम है, सोलो नहीं, उनके सामने खड़ी मामी रिया रिपली। मामी के होते हुए ब्लड लाइन जजमेंट डे का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। जब भी कोई जजमेंट डे से पंगा लेता है तो सबसे पहले आगे रिया रिपली खड़ी होती है। वो सिर्फ खड़ी नहीं होती है, मेल सुपरस्टारों को काफी बुरी तरह से मारती है। 132 केजी के लुक गैलोस को उठाकर पटक देती है। केविन ओवेंस को इतना तेज स्पेयर मारती है कि वो बैरिकेड के आर पार हो जाते हैं। ऐसे में कैसे ब्लड लाइन जजमेंट डे को फेस करे, लेकिन रोमन रिया से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। मंडे नाइट रॉ में रिया रिपली को कितनी बुरी तरह से मार पड़ी ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और पता है, इस काम को अंजाम देने के लिए रोमन ने अपनी नई ब्लड लाइन की मेंबर नाया जैक्स को भेजा था। पहले तो समवन फैमिली से बिलोंग करती है वो, ये तो एक क्लियर चीज है। तो नाया जैक्स एक समवन है, ऊपर से जे उसो को आप लोग देख रहे होंगे, वो लिंक होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उन्हें लिंक किया जा रहा है, या फिर वो लिंक हो सकते हैं जजमेंट डे से। और वहीं जजमेंट डे की रिया रिपली के ऊपर ही नाया जैक्स ने अटैक किया, तो पॉसिबल सीनेरियो ये है कि रोमन रेंज वाइसमैन पॉल हेमन ने मिलके ही नाया जैक्स को भेजा है कि भाई ये जजमेंट डे बड़ा उछल रही है। मामी रिया रिपली ने तो मंडे नाइट रॉ के एक सेगमेंट में ब्लड लाइन के लिए ये तक कह दिया कि द ब्लड लाइन हैज फॉलन एंड द जजमेंट डे हैज राइजन एज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्शन इन द WWE। नहीं मामी, यही तो आपने गलत कह दिया, और इसी गलती की सजा आपको नाया जैक्स मिली। रूमर तो आप लोगों को पता ही होगा कि जजमेंट डे और ब्लड लाइन की फैक्शन के मैच की चल रही है, तो क्लियरली यहाँ से नाया जैक्स हो सकती है रोमन रेंस की न्यू ब्लड लाइन मेंबर। हाँ, मैं जानता हूँ ब्लड लाइन की स्टोरी को बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर ये चीज हो रही है तो आई थिंक सही है, क्योंकि नाया जैक्स का वैसे भी फीमेल डिविजन में कुछ काम नहीं है। लिटरली गाइस, मजा नहीं आएगा, वही पुरानी चीजें रिपीट की जाएगी। लेकिन अगर वो ब्लड लाइन के साथ आती है, ब्लड लाइन वो चीज है उसमें से किसी को भी गुजारो तो वो उधर से सोना बन के निकलती है। सोचो अगर नाया जैक्स के ब्लड लाइन में आने के बाद ब्लड लाइन किसी से फ्यूड करते हैं, और ब्लड लाइन की हेल्प करने के लिए नाया जैक्स मेल सुपरस्टारों को तोड़ती है, तो जब सोच के घुसबम पा रहे हैं जब ये चीज एक्चुअल में होगी तो क्या होगा, एक नया चैप्टर लिखा जाएगा ब्लड लाइन की स्टोरी में। तो ओके गाइस, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।